जगबन टीवी ते लगातार चंडीगढ़ दे वख-वख खेत्रां दीआं समस्यावां दिखाईआं जा रहीआं हन। इस विचकार कई पिंडां दे विकास कारज दी गल करिए तां उस दी भी तस्वीर लगातार दिखाई जांदी है। गल करांगे मौली जागरा विकास नगर दीआं समस्यावां दी। दरअसल मौली जागरा विकास नगर एक अजिहा इलाका है जिथे वड्डी गिणती विच आबादी रहिंदी है, पर इत्थे सब तों वड्डी समस्या सफाई दी है। तुहानूं हर पासे कूड़े दे ढेर नजर आउणगे। कूड़े दे ढेर बणन कारण बारिश तो बाद अक्सर बदबू आउंदी है, जिस कारण लोकां दा इत्थों लंघना औखा हो जांदा है। इह थां डंपिंग ग्राउंड बणदी जा रही है। लोकां दा कहना है कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी कीवें बणेगा, अते इही कारण है कि चंडीगढ़ पिछली बार 66वें नंबर ते आया सी। कूड़े दा इह ढेर दिनों दिन वधदा जा रहा है, जो कि किसी भी डंपिंग ग्राउंड वांग हो सकता है। इत्थे नगर निगम दा कोई अधिकारी नहीं पहुंचदा। ये तो जी जब से कॉलोनी बसी है तब से रोड ऐसा का ऐसा ही है जी। अरे कूड़ा कबाड़ ऐसे ही पड़ा रहता जी। कितनी बार सफाई वाले आते करके जाते हैं फिर भी पब्लिक मानती नहीं है जी। क्यों नहीं मानती? यहाँ बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता, किस लिए? ये तो सरकार का सड़क तो बननी चाहिए। ये तो सरकार का काम है ना जी, बोर्ड लगाना। तो सड़क क्यों नहीं बनती? सड़क अब सर सरकार से पूछना पड़ेगा, सड़क क्यों नहीं बनती है 22 साल से ऐसी का ऐसी है जी। अरे ऐसी यहाँ हमेशा कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता, बीमार है घर जी। कितनी बार सरकार से अपील की है कि यहाँ पे जी कार्रवाई की जाए, बोर्ड लगाया जाए, फिर भी नहीं करा जी सुनवाई। वोट का समय आता है सर, सभी पार्षद वोट मांगने आ जाते हैं सर, उसके बाद तो कोई इस पर ध्यान देता नहीं है। जब से कॉलोनी है सर वैसे ही का वैसा रोड वैसे ही बसा हुआ है। एक कूड़ा करकट ऐसे ही है, एक दो बीच में बंदे आए भी थे, देखे भी था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है जी। फिर भी लोग मानते नहीं, ऐसे कूड़ा का कूड़ा गिरा देते हैं जी। बीमारियों को नौता दे रहा है तो जी जी बीमारियों को नेवता तो सर दे ही रहे हैं जी। सामने ही देख लीजिए सर, यहाँ से वहाँ तक आप देख ही रहे हैं, आपकी नज़र जा ही रही होंगी जी। तो ये सड़क जिस तरह से कच्ची है कई लोग गिर भी जाते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं गिरेंगे जी, यहाँ से गड्ढे हैं जी, बारिश में पानी भर जाता है तो उसे पता नहीं लगता जी गड्ढे कितना है। कोई भी जाएगा मोटरसाइकिल से गिर जाएगा, किसी कोई औरतें गिर जाएंगी, और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। आपके सामने ही जो है दिख ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसी दे नाल ही इत्थे कदी भी सड़क नहीं बनी। बरसात दे दिनां च इन्हां टोयां नाल सड़क ते बरसात दा पानी खड़ा नजर आवेगा, जिस कारण कई राहगीर भी टुट जांदे हन अते विकास नगर दी मुख सड़क दी इह हालत है। तां होर सड़कां दी हालत वेख सकदे हो। बीमारी है जी यहाँ, तो गंदगी बहुत है, बीमारी है, बरसात आ रही है, बरसातों में बहुत बुरा हाल हो जाएगा जी। यहाँ तो देखना चाहिए जी, ये तो पूरे ये उसकी जिम्मेदारी है जी। ये बीमारी होंगी, बरसात आ रही है जी, मच्छर काटेंगे, मलेरिया होएगा जी, बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पे सड़कें भी टूटी हुई हैं जी, सड़कें बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाएगी, बरसात में पानी भर जाएगी रोडों पर। ये कूड़ा उठाते क्यों नहीं? ये तो बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। देखो जी इसको तो कार्रवाई, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में तो है नहीं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप आए और इस विषय पे बात की, क्योंकि कोई भी इस विषय पे बात करके राजी नहीं है। जो ये कूड़े कबाड़ की बात है, जो जगह जगह इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बनाने शुरू कर दिए हैं कॉलोनियों में, हर कॉलोनी में देख लीजिए, पूरे चंडीगढ़ में देख लीजिए। पहले क्या था, हमारा चंडीगढ़ नंबर 1 पे होता था सफाई व्यवस्था में, आज के टाइम पे देखिए 66वें नंबर पे जा चुका है। तो ये एक विकास नगर मौली जागरा की बात नहीं है, मौली जागरा में इतना बुरा हाल है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पूरे चंडीगढ़ की बात है, पूरे चंडीगढ़ के अंदर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। इना ही नहीं, कूड़े दे लगे ढेर के कारण इत्थे लवारिस पशुओं की भी काफी भरमार है। इना कूड़े दे ढेरां ते लवारिस पशु घूमते रहते हैं, जिस कारण इत्थे हर समय हादसों का डर बनिया रहता है। लोगों ने अपने इलाके काउंसलर से गुस्सा करते कहा कि वो इलाके वाल ध्यान नहीं देते, जे वो ध्यान देते तस्वीर वक्री होनी सी। जगबन टीवी लई कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।